दोस्तों आप कॉन्जरिंग मूवी के माध्यम से एड और लोरेन वॉरेन को तो जानते ही होंगे, जो कि एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। ठीक इसी तरह भारत के रहने वाले गौरव तिवारी भी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर और यूएफओ फील्ड इन्वेस्टिगेटर थे। ये इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के सीईओ और फाउंडर थे। इन्होंने अपने करियर में 600 से भी ज्यादा पैरानॉर्मल जगहों पर इन्वेस्टिगेट किया था, लेकिन 7 जुलाई 2016 में इनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। मौत के दिन के पिछली रात को गौरव जनकपुर में किसी हॉन्टेड जगह पर इन्वेस्टिगेट करके घर देर से पहुंचते हैं। अगले दिन 7 जुलाई को वो रोज की तरह सुबह 7 बजे के आसपास उठते हैं, नाश्ता करते हैं और कुछ ईमेल्स चेक करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद वह बाथरूम जाते हैं। गौरव के बाथरूम जाने के बाद अंदर से कुछ आवाज आती है। आवाज सुनते ही उसकी वाइफ बाथरूम की तरफ दौड़ती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है गौरव जमीन पर पड़ा मिलता है। जल्दी ही उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां जाकर पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है। इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि उसकी मौत सुसाइड से हुई थी, क्योंकि उसके गले में काला निशान था और बाथरूम में एक कपड़ा भी पाया गया था। लेकिन ये थोड़ा अजीब था, क्योंकि उसकी बॉडी फर्श पर पड़ी मिली थी और गौरव के पास अपनी जान लेने की कोई वजह नहीं थी। उसकी वाइफ ने बताया कि गौरव कह रहा था कि कई दिनों से कुछ नेगेटिव शक्तियां उसे तंग कर रही थी। तो अगर ये सुसाइड नहीं है तो क्या गौरव की मौत किसी आत्मा ने की थी? ये बस एक रहस्य ही रह गया।